वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि एमक्यूएम से नाराजी नहीं, दोनों पार्टियां चाहती हैं कि काम हो। अवामी तरक्की और फलाह के मंसूबों पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। शहरियों ने तब्दीली के लिए वोट दिया, अब काम करने का वक्त है। K4 मंसूबा कराची के लिए बहुत अहम है, 50% हिस्सा वफाक से दिलवाएंगे। तक अवाम की तरक्की, उनके तरक्याती मंसूबे, उनकी फलाह का काम है। इसके अंदर कोई सियासत नहीं है, चाहे वो वोटर तहरीक इंसाफ का हो, वो पीपल्स पार्टी का हो, वो मुस्लिम लीग का हो, या कोई ऐसी हुकूमत हो जो इनमें से किसी भी एक जमात के साथ ताल्लुक रखती हो। अगर वो पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करने के लिए तैयार होंगे तो हम हर हुकूमत के साथ मिलकर पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने के लिए तैयार हैं। अब काम है, अब वक्त है काम करने का। ये मेरा सिंध की हुकूमत के साथ भी और उससे ज्यादा अहम कराची की अवाम के साथ वादा है। इंशाअल्लाह ताला तरजीही बुनियाद के ऊपर उस K4 के मंसूबे के जो मजीद अखराजात हैं, जो तकरीबन अंदाजा है कि 30-1 अरब रुपए ज्यादा चाहिए होंगे, 50% हिस्सा उसका वफाक से दिलवाएंगे और जल्द से जल्द इस मंसूबे